और इस बार कोई फोर व्हीलर नहीं, इस बार हमारा राइड टू व्हीलर से हो रहा है। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और एक बार मैं सोचा, अभी सोने गया नहीं था तो मैं सोचा एक बार मैगी का स्लीपिंग पोस्चर दिखा दूँ। ये सिर्फ नाक बाहर निकला है फ्रेश एयर लेने के लिए और अभी जग गई। देखो आँख खुला है दीदी। अच्छा सो जा चलो अब सुबह मिलते हैं डायरेक्ट। और अभी कपड़ा पहनने के लिए पैकिंग वैकिंग हो गया है हमारा और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी लाने। और बहुत दिनों बाद हमारा एक शॉर्ट ट्रिप आज शुरू हो रहा है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफी अच्छे अच्छे रास्ते हम दिखाने वाले हैं और काफी मजा आएगा इसमें। और गाड़ी भी हमारी इस बार स्पेशल है, तो अभी बस हम रेडी हो गए हैं। हम लोग इस बार दो लोग ही जा रहे हैं, मैं और खुशी, हम लोग दोनों अभी निकलने वाले हैं। तो बस आप वीडियो पूरा देखना, आप मजा आएगा। तुम सामने देखो, तुम क्या इधर देखो, हम लोगों को मिस करना। और हमारे ट्रैवल से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है इस घर में तो वो बाबू है, क्योंकि कंप्यूटर मिला है उसको। और 2-3 दिन जितने दिन भी हम लोग नहीं रहेंगे जम के वो गेम खेलेगा। और ये खुशी रेडी हो गई, बस अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी निकालना है, गाड़ी निकाल के अभी निकल जाना है ट्रिप पे। हम लोग अभी अपने रिसोर्ट में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये कितना, टू नाइट 3 डेज का स्टे है यहाँ पे हमारा, इंक्लूडिंग ऑल लॉजिंग एंड फूडिंग। मेरा सिर्फ ड्रॉप ऑफ है, मैं ड्रॉप करूँगा और चले जाऊँगा। ये सोलो ट्रिप है खुशी का, तो बस अभी रिसोर्ट में पहुँच के थोड़ा एक बार आपको रूम टूर दे देंगे हम लोग। ये खान काफ़ी है, ये हमारा रिसोर्ट आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है जहाँ पे आज खुशी रहेगी। रिसोर्ट के मालिक मालकिन भी है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और एक अनसर्टेन प्लान बना। तो कभी कभी लाइफ में अनसर्टेनिटी भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज आप प्री प्लान होके ही सब कुछ करो। तो वो प्लान क्या है, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और सुबह सुबह गया था खुशी को घर छोड़ने, खुशी गई है अपने घर, कुछ दिन रहेगी वहाँ पे। और मेरे को ऑल ओवर सडन एक कॉल आया कि एक जगह जाना है, अब वो जगह क्या है क्या नहीं है चलो अब रास्ते में बात करते हैं। और कैसे जाना है, इस बार का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा डिफरेंट है और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं विदाउट खुशी कहीं जा रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रैवल प्लानिंग है, तो चलो अब रास्ते में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ किसी का, अब उनके आने के बाद आज का जो एक्चुअल जर्नी है हमारा वो शुरू होगा। तो और थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद देखने को मिल ही जाएगा कि कौन है और किसके साथ जा रहे हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ ये बाईपास ढाबा के पास, यहाँ से अपने पकड़ेंगे माँ फ्लाईओवर और आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा सफ़र कर लो, वेट कर रहा हूँ मैं भी उनका, देखो कितने देर में पहुँचते हैं वो। तो कौशिक दा के साथ फर्स्ट बाइक ट्रिप आज शुरू हो रहा है, बिकॉज फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान है, तो ये एक हमारा टेस्ट राइड, इसके बाद आगे हम लोग बहुत कुछ प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा कि मोबाइल से ब्लॉक कर रहा हूँ, नॉइज बहुत ज़्यादा आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको रास्ते में फिर बताता चलूँगा कहाँ जा रहा हूँ क्या है। हो गया है और करीब क्वार्टर्स में स्टार्ट करा चला होंगे बंदे के 3 बजे बाईपास ढाबा से स्टार्ट किया था। और अभी यहाँ चाय के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया, बस अब निकलेंगे यहाँ से, निकल के अब देखो आगे और कहाँ पे, और एक स्टॉप शायद बीच में लेना होगा और उसके बाद डायरेक्ट मंदारमनी का प्लान है अभी तक का, अब आगे जो होता है चलो आगे तुमको बताते हैं। और इस बार कोई फोर व्हीलर नहीं, इस बार हमारा राइड टू व्हीलर से हो रहा है।
ये कौशिक दा फुल गियर अप होके, और ये रहा मैं। तो चलो बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे करीब 7 बजे के आसपास, बट आज सैटरडे है और ये हमारा अनप्लान ट्रिप था, कोई प्लान नहीं था, कहीं कोई बुकिंग नहीं थी, तो हमने सोचा था कि आके डायरेक्ट यहाँ पे, तो मंदारवनी पहुंचे। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है रूम का, कि आपको रूम नहीं मिलेगा, बहुत ही क्राउड है आज, ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुल है। किसी भी तरीके से एक होटल हमको मिला और वो भी रास्ते के इस तरफ, मतलब सी फेसिंग रूम तो इम्पॉसिबल है मिलना, ये ऑपोजिट साइड में था, बट ठीक है, हम लोग दो आदमी है, प्रॉब्लम नहीं है। 1800 रुपये रूम का चार्ज है, और कैसा रूम है वो अभी दिखा देता हूँ एक बार। तो रूम हमारा कुछ ऐसा रूम है, ये डिसेंट साइज है रूम का, एक कबर्ड है, एक ड्रेसिंग टेबल है, एक बड़ा सा बेड है, दो चेयर है यहाँ पे, एक सेंटर टेबल है, एसी है रूम में, और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम का लाइट कहाँ गया, ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, बड़ा ही है वैसे। बीच के आसपास के जितने भी होटल हैं ना, ऑलमोस्ट सारे का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, मतलब बीच फेस किया हुआ जो एरिया है वो टूट फूट गया है। तो एक बार कल सुबह वो दिखाऊंगा, तो अभी डिनर क्या है वो एक बार प्लान कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15, और अभी तक हमारा डिनर नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग आके फिर चले गए थे बीच पे अभी, और बीच पे अभी भी कौशिक दा अकेले बैठे हुए हैं। मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि मेरे को एडिट करना था, और डिनर जो है वो डिनर अभी आ चुका है, मैं डिनर करता हूँ फिर एडिट करने बैठूंगा, कौशिक दा थोड़ी देर बाद आएंगे। तो डिनर में क्या है दिखाता हूँ, रुको। ये है हमारा डिनर दो लोगों का, बहुत ही लाइट हमने मंगाया है। एक है मिक्स सलाद, 5 रोटी और एक मिक्स वेज। तो ये हमारा डिनर है, बस अभी तुरंत डिनर करता हूँ और डिनर करके मैं बैठता हूँ एडिट करने, सो दैट आपको कल सुबह ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल एक बार एक फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। बस ऐसे ही हंसते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।